अमूमन सबकी नहीं होती, लेकिन उनके कफ मसल्स की हुई है पिंडली की जी, मोटे मोटे हो गए जी। तो अभी दरबार ने सोच में सारी सर्जरी की है, तो स्थूल में उसका फर्क आने लग जाएगा तुरंत। ठीक है जी गुरुदेव। हाँ हीरो, क्या नाम है आपका? गितार तगरवाल। अच्छा, तो क्या कर रहे हो आजकल, पढ़ाई कर रहे हो? कर रहा हूँ ना। पढ़ने के बाद याद नहीं रहता था, हाँ, भूल जाते थे, है ना? गुरुदेव प्रणाम। खुश हो गुरुदेव। इंदौर से आया हूँ, नयन अग्रवाल नाम है मेरा। 9 लोग हैं डीएनए में, गुरु 3 लोग आए हैं गुरु जी। जी अग्रवाल जी बताइए। बस गुरु जी, बाकी तो सब स्वस्थ है। थोड़ा सा ये बालक गुरु जी, पता नहीं 1-1.5 साल में 3 गुना मोटा हो गया गुरुदेव। और बाकी तो बहुत एक्टिव है, बहुत कुछ है, बहुत इंटेलिजेंट है गुरुदेव। मेरी भाभी की थोड़ी दिक्कत है, वो पूरे बेड पे है, चलना फिरना सब दुभर है गुरुदेव। और मतलब आपको क्या बोलूँ, मतलब बहुत ही स्थिति बहुत। मैं फ़ोटो लाया हूँ गुरुदेव, आप देख लूँ। आपके यहाँ हड्डियों की बहुत प्रॉब्लम है जी गुरुदेव, सबको है गुरुदेव। और उनकी स्थिति ये है कि ब्रेन में वापसी मैसेज नहीं जाते उनको जी गुरुदेव, बॉडी के मैसेज ब्रेन में नहीं जाते जी। तो एक बार जरा उनका कोई संकल्प करे, उनका हाथ पकड़ के जी, उनको जो जो कष्ट हैं भूले जी, तो उनकी स्मृति नष्ट हो जी। तो अभी दरबार ने सबकी सर्जरी की है, उनकी भी की है जी गुरुदेव। तो अभी उनका ब्रेन और जो बोले शरीर जी, ये सारे उनके ट्यून हो जाएंगे जी। तो अभी उनके घुटने, उनके कफ मसल्स, उनका ब्रेन जी, अभी सबकी सर्जरी हुई है सूक्ष्म में जी, जो जो उनको कष्ट थे जी गुरु जी। पैर ऐसे मोटे मोटे हो गए, वही कह रहे हैं कफ मसल्स बोला ना हमने जी, कफ मसल समझ रहे हैं ना जी जी। उसकी सर्जरी हुई है अभी जी, अमूमन सबकी नहीं होती, लेकिन उनके कफ मसल्स की हुई है पिंडली की जी, मोटे मोटे हो गए जी। तो अभी दरबार ने सोच में सारी सर्जरी की है, तो स्थूल में उसका फर्क आने लग जाएगा तुरंत। ठीक है जी गुरुदेव। तो अभी सब अच्छा किया गया है जी गुरुदेव, लेपन जरूर जारी करिए गुरु जी। बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव, खुश हो, खूब खुश हो। इसको लाओ जरा, इसको हीरो को, इसको। हाँ हीरो, क्या नाम है आपका? गितार तगरवाल। अच्छा, तो क्या कर रहे हो आजकल, पढ़ाई कर रहे हो? कर रहा हूँ ना। पढ़ने के बाद याद नहीं रहता था, हाँ, भूल जाते थे, है ना? तो अब देखो कि क्या है, पढ़ने के बाद भूल जाओगे क्या? अब क्या लग रहा है? नहीं भूलूंगा। अब नहीं भूलोगे, क्योंकि दरबार ने आपको ट्यून किया है ना। हाँ। पीछे भी जो पढ़ते थे ना, और आपको एक सब्जेक्ट ऐसा है जो पसंद नहीं है, उसका नाम है मैथ। है नहीं? अच्छा नहीं सब्जेक्ट है। सबसे सबसे अच्छा कौन सा सब्जेक्ट लगता है? सोशल। सोशल मैथ थोड़ा कठिन लगती है, है ना? मैं मैथ्स का टीचर हूँ। मैं गुरुदेव IIT पढ़ाता हूँ। तू आंखें बंद करो, इसको IIT लायक बनाए ओम। इसकी वो स्मृति निकाल ले जाए सब, जो इसको गणित से दूरी पैदा करती, गणित के प्रति कठिनाई पैदा करती, इसको लगता है गणित बहुत कठिन विषय है, वो स्मृति बाहर निकाल लीजिए। ओम शिव, नष्ट करके सेवकाओं को खिला दिया। गणित एक अच्छा विषय है, पूरे जीवन काम आने वाला है, इसलिए गणित को समझना, गणित को जानना बहुत आवश्यक है। गणित के प्रति गहरी रुचि बढ़ती जाए इसके अंदर, जब भी गणित के बारे में सोचे, पढ़ने की बात करे, तो इसको आनंद हो, ऐसी स्मृतियाँ बढ़ दी जाए। सक्रिय कर दी जाए बैलेंस, 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बैलेंस 5 बार बंधन खींचो। तो क्या नाम बताया? कृतार्थ। तो आप चेक करो अपने आप को, अब गणित कैसी लग रही तुम्हें? गणित के बारे में सोचो, क्या फील हो रहा है? अच्छा लग रहा कैसा है। कैसा गणित विषय है? अच्छा विषय। तो अभी आपका जो सबसे अच्छा विषय हो, उसके बारे में क्या ख्याल आ रहा है? कौन सा विषय सबसे अच्छा है? मैथ्स अच्छा विषय।
बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। अब आपके लायक बन गया है। खूब खुश रहिए बेटा, प्रसन्न रहिए। अब इसको मैथ बहुत अच्छी लगे। यही स्मृतियाँ काम करती हैं।